नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम चने का आउटलुक देखेंगे। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा चने में अच्छी तेजी बनी हुई है। इनफैक्ट चना 5000 का लेवल तोड़कर आराम से 5000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम ओवरऑल पिछले एक महीने की अगर बात करें तो चने के प्राइजेस में 10% की तेजी हमने आते हुए देखी है। नो डाउट इस बार हमने प्रोडक्शन भी अच्छा बढ़ते हुए देखा है, बट जिस ढंग से एकरेज या उतारा में ड्रॉप एकरेज में भी बढ़ावत है, बट उतारा में जो फॉल है ये कहीं ना कहीं मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्राइसेस में गेन है, साथ में डिमांड भी बनी हुई है। अब आ जाते हैं हम टेक्निकल की तरफ। अगर टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइसेस 5 से लेकर 5, 10, 20, 50, 100, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। RSI 70 के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेट करती है, बट थोड़ा ओवरबॉट है। पर जिस ढंग से फंडामेंटल ज्यादा मजबूत है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम 5000 का लेवल के ऊपर बात करें तो हमें लगता है प्राइजेस 5180 से 5270 तक का भी लेवल दिखा सकती है। CCI 155 के करीब ट्रेड कर रहा है, सभी इंडिकेटर पॉजिटिवली ही ट्रेड कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी हमने बढ़ोतरी होते हुए देखा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइजेस में मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ाए। फंडामेंटल साइड की अगर बात करें तो अभी तक 2021 के अंदर 13.5% की तेजी आ चुकी है और प्राइजेस 5060 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिस ढंग से अनलॉकडाउन के बाद डिमांड बढ़ते जा रही है कंटिन्यू, और साथ में जो शॉर्टफॉल है स्टॉक्स के अंदर ये भी कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। हाजिर मार्केट में भी हमने देखा कैरी ओवर स्टॉक कम होने की वजह से और अराइवल में डिले होने की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में अटकलें लगाई जा रही है कि अनसीजनल रेन और हेल स्टॉक जो कुछ की ग्रोइंग एरियाज में इंपैक्ट कर रहे हैं, इसका असर भी प्राइस पे आता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट काफी वेरिएशन है प्राइसेस प्रोडक्शन के अंदर, जहां एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है कि 11.5 मिलियन टन के आसपास का 2021 का इस बार क्रॉप रहेगा, वहीं एस्टीमेट दिया जा रहा है मिलर्स का जो 9.5 बता रहा है, जो कहीं ना कहीं पिछले साल के मुकाबले भी कम है। तो ओवरऑल फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो काफी मजबूत है। नेफेड से भी कंटिन्यू बाइंग चल रही है, और साथ में अगर हम डिमांड और वेदर कंडीशन जो बना हुआ है वो भी प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। तो इन ऑल फंडामेंटल काफी मजबूत है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकली अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे डबल कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। छोटा कप एंड हैंडल पैटर्न में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, जो 5250 तक का लेवल दिखा रहा है, और टेक्निकली अगर 5250 का लेवल तोड़ दे तो प्राइजेस 5680 तक का भी लेवल दिखा देगा, बट वो एक्सट्रीम केसेस है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि ये 5400 तक का एक फेयर प्राइस दिखा सकता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 5000 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग है, करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है, जो इमीडिएट में 5250 से 5300 का इमीडिएट टारगेट और ऊपर में 5680 तक का भी लेवल दिखा सकता है। सीजनलिटी की बात करें तो मार्च और अप्रैल हमेशा तेजी का रहा है, खास करके मार्च महीना अगर हम बात करें पिछले 3 साल में हमेशा हमने तेजी आते हुए देखी। तो इन ऑल टेक्निकल फंडामेंटल और सीजनलिटी पॉजिटिव है, तो हमें लगता है चने को 5000 के ऊपर बिल्कुल लेके चलिए, जो 5350 से लेकर 5600 तक का लेवल दिखा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। साथ में टेलीग्राम चैनल भी है जहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहां पे आपको इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट आते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक सभी तरह के कमोडिटी अपडेट टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। धन्यवाद।